हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे एक और व्लॉग में। आज हम पारागढ़ी से होते हुए ग्वालदो और फिर आगे की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। किधर तक? तवानी तक का। शाम के 4:30 बज रहे हैं, बारिश की संभावना। ये नीचे हमारे एक और मेरा बिरादो घर, हम एक और साथी उमेश सिंह का वेट कर रहे हैं। जगत सिंह कहाँ गए? टूर गाइड पस्त हो गए हैं। ये देखिए पुराना मकान, अब कुछ ही पुराने पातल वाले मकान रह गए जो छत में। पुरानी परंपरा और धरोहर को कायम रखते हुए ये एरिया पूरे वृक्षों से भरा हुआ। ये ठंडा इलाका है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अखरोट पाए जाते हैं। ये थे अखरोट का पेड़। ऊपर को अच्छा, ये है पुराना पानी का स्रोत, नलका भी लगा हुआ है और साथ में पशु के लिए और गाय भैंसों बकरियों के लिए जलाशय भी बना रखा है। रोड का तो देख लो, ये गांव के बालकों का क्रिकेट ग्राउंड, क्रीड़ा केंद्र। जहां तक हमें भी याद है, छोटपन में हम भी यहां पे आके खेलते थे। एक तरह से गांव के युवाओं का या बच्चों का ये एक तरह से एंटरटेनमेंट जोन है, गेमिंग जोन। शांत वातावरण, ये एक और साथी हमारे साथ जुड़ते हुए। अरे घुरी रहो बे यार, अरे घुराई पहली ब्या वो हमो दीपा छुआ तांबे की खान है जो गुफा, मतलब वो कच्ची नसीन खा रहा है बिल्कुल। ऊपर बताया जा रहा है कि तांबे की खान है। इंडियन हिस्टोरिक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कुछ खोज भी की थी, मगर सोचा कि तांबे की मात्रा इतनी नहीं है तो यहाँ पे रिसोर्स जाया करने का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए चारों तरफ, इसी वजह से तो मखानी नाम पड़ा है। ये तांबे की वजह से कुछ बताइए, फिर डिटेल में बताइए। तांबा के मिलने के कारण ही यहाँ पे तमखानी नाम दिया गया। अभी एक खबर मिली है, मे भी ये पंजाब केसरी में छपा हुआ है, कभी श्योरिटी नहीं है। पंजाब केसरी में कुछ खबरें ऐसी रहती है, कोई कह रहा है गाय को बाघ ने मार दिया है और कोई कह रहा है कि वो गिरा है, तो अभी स्पष्ट समाचार नहीं है। ये उम्मीद है तो डंडी क्यों लेके आ रहा है भाई? डंडा चाहिए चाहिए यार, डंडा खिले ऐसे ही ला रहा हूँ। वहाँ एक वो है शार्प, बाद में उनको भी ले जाऊँगा। अच्छा डबल काम, पकड़ने जरा कैमरा।
है नहीं आज। अरे पानी जरूर से स्कूल में मिलने को आती थी वो भैरव जी। ये देखिए यहाँ से गांव में हमारे यहाँ के एक गिरधर सिंह मेहरा का मकान दिख रहा है। मकान दिख रहा है बिल्कुल वाइट चमचमाता हुआ। ये तो गिरीश मेहरा का। गिरीश मेहरा का आजकल प्रताप का रिसोर्ट बना रखा हुआ। ये देखिए क्या दृश्य। अरे दृश्य तो नजर से आ हल्के हल्के कदमों से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये चीड़ के पेड़ से अगर ये व्यू देखेंगे तो बहुत ही सुंदर व्यू। गांव से जानवर आते हैं वापस। ये सेकंड टाइम है ये हमारे ब्लॉग में अपीयर होते हुए। ये देखिए नीचे खेत और खेत में बहती हुई नदी। अब हम ग्वालदेव की तरफ आते हुए ज़्यादातर गांव के गाय भैंस बकरी पशु पक्षी इधर ही विचरण करते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट व्यू। गाँव का पुराना घर हमारे पड़ोस हमारा पड़ोस। ये हमें फीचर डाल देते जाओ सबसे पौश इलाका ही गांव का। वो अटक कहाँ गया? ना ना कहाँ हो गई कहीं नहीं। ये देखिए चारों तरफ हरियाली। हाँ इतना ही सुंदर फूल। ये ब्लॉक रास्ता ये गन्ने का खेत। फ्लोरा और फौना का एबंडेंस। तिरंगा ये
जगत सिंह लाइटर गिरा हुआ देख नीचे, लाइटर गिरा है वहाँ। ये देखिए एक और ग्राउंड वानखड़े स्टेडियम। पाँच चार में बेनामी किसका है? ये हमारे घर का। हाँ तो कराए पाँच हजार ले, नकद ले अभी। इनके बीच में ही और इनसे अच्छा रहा जाएगा, तुम्हारे बीच में मुश्किल है रहना। ये पूछेंगे ही तुम्हारी तरह। हाँ बता, यहाँ पे हमारे साथ ग्राम के रिच बिल गेट्स। हमारे साथ गांव के एक रियल एस्टेट एजेंट है जगत सिंह मेहरा। तो कभी उसको 5 लाख कर देना, कभी 5 हजार कर देना। जिनकी पूरी प्रॉपर्टी मार्केट उनके हाथ में है। जैसे एक टाइम था हर्षद मेहता का, आज टाइम है जगत सिंह मेहरा का, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। बिजली भी आया, पानी भी है, पानी टूट भी आ रही है। हम आ गए छाना में। सरकार ने यहाँ पे रास्ता बना रखा है, रास्ता काफ़ी अच्छा चुस्त और दुरुस्त है, बट ये सीमेंटेड रास्ता है। बरसात के मौसम में काई लग जाती है तो थोड़ा सा फिसलने का डर, और फिसले तो सीधा भ्यो में, भ्यो ही बोलते हैं ना इसको, भ्यो में। लोकल लैंग्वेज में कुछ अच्छे शब्द यूज करते हुए जगत सिंह रात के लिए सरकार की तरफ से सोलर लाइट जो रास्ता दिखाती है रात के वक्त। घर ही है ना ये, छोटा सा घर अच्छा बना रखा है। ये रोड आ रही ना, कहाँ को जाना है? तली खड़ल से खेल कर दिया। नीचे रोड जंगल से होते हुए घास का भरपूर जमाव। आज के बरसात के मौसम में पशुओं के लिए चारा फुल ओवरलोडेड। ये फुल बाधा जिसको पार करते हुए इस जगह से जुड़ी कुछ बचपन की यादें, जहाँ तक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हम भी यहाँ बचपन के समय आते थे घूमने, रोटी साथ में नमक लेके गाय भैंस को चराने के लिए। ये देखिए टोटल हरियाली। इस जगह आके माइंड बिल्कुल रिफ्रेश, रिलोडेड फ्रेशनेस के साथ। हरी भरी घास, इस समय घास की वजह से थोड़ा सा सांप का खतरा रहता है। यहाँ से नीचे ना उमेश,
कुछ गांव से अलग, कुछ और घर। सामने कौन सा गांव है? बाबरी फगराड़। सामने ट्रक जाता हुआ और रोड के उस तरफ बता रहे हैं गांव का नाम फगराड़। अब हम ऊंचाई से बिल्कुल पैनोरामिक व्यू देख रहे हैं। वैसे यहां पे बिजली की व्यवस्था बहुत सालों से ही दुरुस्त है, जहां तक हमें याद है हमारे गांव में बिजली का कोई अभाव नहीं रहा है, बचपन से ही हम यहां बिजली देख रहे हैं। ये एक टंकी जहाँ से गांव को पानी जाता है। कुछ समय समय पे पंचायत ग्रामवासी इसकी मरम्मत कराते रहते हैं। मेरी पीठ का पीछे कुत्ता होगा यार। गाँव क्या वॉच गार्ड कुत्ता चल निकल, कुछ काट के दिया। गली में भी कुत्ता शेर होता है, वो ही कहावत है। नाम है इसका, तुम उसकी तरफ मत देखो, अपना चलते रहो बस। घर में कोई नहीं है क्या? भौंकते आना चाहिए बाहर। ये बिजली का हाई वोल्टेज पोल, यहीं से आसपास के गांवों को बिजली सप्लाई की जाती है। ये हमारा चौथा साथी कहाँ रह गया? उसको कुत्ते से तो ऑर्डर लगता है। ये देखिए अब हम ऊंचाई में आ गए हैं। इस तरफ खाई पानी और उस तरफ भी खाई। ये एक हमारी वृद्ध महिला हलामत की प्रॉपर्टी। ये देखिए नीचे को रास्ता जाता हुआ नदी की ओर, सामने मंदिर। मंदिर के साथ कुछ भयानक यादें जुड़ी हुई। बचपन में हम अपनी मम्मी बहन के साथ इस मंदिर में पूजा करने आए थे। इसी तरह का ही मौसम था बारिश का, तो बारिश का एकदम बहाव बढ़ गया तो हमें बड़ी मुश्किल से नदी पार करके निकले। देखिए व्यू, नीचे हमारे गाइड जाते हुए उमेश सिंह।
अच्छा कह रहा उधर बैठने को बैठते बैठने नहीं पहले वो देखते अंधेरा हो जाएगा यार फिर क्या करेगा हैं वो कौन सी जगह बता रहे थे वही तो है खरबड़ी और क्या दिखाना अच्छा खरबड़ी वही दिखाना था हाँ खत्म हमारा रेंज हमारी टेरिटरी खत्म खत्म है ये तुम्हारा नहीं ये है बाबरी कल वहाँ बैठे थे दुकान के पीछे देखो दिखाया था वो आदमी बचेगा भी मगर फ्रैक्चर हो जाएगा बुरा वो अपाहिज डेंजरस सावधानी घटी दुर्घटना हुई डेंजरस रोड अब तुम सोचो तुम अपनी वाइफ लोगों को यहाँ घास काटने भेजते हो डेंजर में रोज हैं जुर्मा है तो क्या हो गया क्या बोलते हैं आदमी जो ऐसे काटे वो नहीं दिखेगा भी हो बराबर है तीन महीना थोड़ा मतलब जो ठेकेदार होगा 1,00,000 नहीं 50,000 में काम हो जाएगा ये सारे काट दिए वो फिर ये लकड़ी उनके काम गवर्नमेंट के हो जाते हैं ना उनका भी ना अपना जिसका भी है ना